नमस्कार जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालूंग के आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं बंधुओं पिछले कुछ दिनों से हम इस धर्म संवाद के कार्यक्रम में हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था पर किस प्रकार से आघात हुए ये समझ कर ले रहे हैं जिस प्रकार से मुसलमानों द्वारा जो आक्रांता इस देश में आए थे उन्होंने हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को उद्धवस्त कर दिया था उसी प्रकार अंग्रेजों ने 200 वर्ष तक हमारी शिक्षा व्यवस्था पर आघात किए और उसके उपरांत जब भारत स्वतंत्र हुआ स्वतंत्रता के उपरांत जो कांग्रेस शासन हमारे देश में आया था तो उनकी वामपंथी विचारधारा के कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था वैसे ही रही और आज हम उसका परिणाम देख रहे हैं कि हमारे जो युवा है वो हमारे धर्म से हमारी संस्कृति से एक अलग हो गए हैं उनमें हमारे धर्म के विषय में कोई स्वाभिमान ही नहीं बचा है तो ये आघात हम पर किस प्रकार से हुए ये हमने समझ कर लिए वामपंथियों का इतिहास कैसे था उन्होंने किस प्रकार से उनकी बुरी सोच और उनका रक्त रंजित इतिहास हमने यहाँ पर समझ कर लिया आज भी हम इन वामपंथियों द्वारा किस प्रकार से अत्याचार हमारे ऊपर किए गए हैं और किस प्रकार से उनका इतिहास किस रक्तरजित है हमारे साथ हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सदगुरु डॉ चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित है नमस्कार सदगुरु डॉक्टर पिंगले सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी आपने वामपंथियों के देश विरोधी कृत्य तथा उनकी हिंसा और अत्याचार हमें बताए तो भारत में हिंदुओं को आतंकवादी बताया जाता है परंतु वामपंथ के आतंक का प्रचार ही कहीं पर किया नहीं जाता एवं जो वामपंथी हत्यारा था जो चेकवेरा जिसे हम कहते हैं तो उसकी तो टोपियाँ एवं टी शर्ट्स पहनकर हमारे युवा बड़े गौरव के साथ आज भी घूम रहे हैं तो मुझे पूछना था कि इनका हिंसा का इतिहास क्या है और नाजी हिटलर से भी अधिक क्रूरता का इनका इतिहास है क्या तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं आपने एकदम सच कहा कार्तिक जी यानी ये नाजी हिटलर से अधिक क्रूर और बर्बरता का इतिहास इन वामपंथियों का है जर्मनी के तानाशाह हिटलर को क्रूर मानवता का हत्यारा आदि विशेषणों से जाना जाता है और वास्तविकता में हिटलर हत्यारा था उसका कोई समर्थन कर नहीं सकता है परंतु जो भीषण नरसंहार इन कम्युनिस्टों ने विश्व भर में किया है ये कम्युनिस्टों का बर्बरता का इतिहास हिटलर जैसे कुर कर्मा को भी पीछे छोड़ने वाला है यह हमें समझ लेना है और दुर्भाग्य की बात यही है हमारे दृष्टि से कि भारत में इतने अत्याचार हत्याकांड करने के उपरांत भी देश की सेक्युलर मीडिया ने इस पर वामपंथी अताताई विचारधारा पर कोई विशेष कटाक्ष नहीं दिया और वामपंथियों के पाप छिपाने का कार्य किया भारतीय मीडिया ने और इसका यह एक कारण भी है कि वामपंथी विचारों के लोग ही उस समय बुद्धिजीवी बनकर एक तरफ से मीडिया चला रहे थे सरकारी कार्यालय चला रहे थे शिक्षा व्यवस्था में छाए थे तो आधिकारिक पदों पर इन लोगों का वहाँ पर बैठना यह भी उनके पापों को छिपाने के लिए सहायता हुआ है ऐसे हम बोल सकते हैं उन्होंने न केवल कम्युनिस्ट के पापों को छिपाया बल्कि उन्होंने मुस्लिम राजाओं के बरबर -बर अत्याचारों को भी छिपाया और केवल बरबर -बर अत्याचारों को छिपाया नहीं तो इस्लामी आक्रांताओं तो को सहिष्णु बताकर उनका गौरव करने का महिमा मंडन करने का कार्य भी इतिहास में इन वामपंथी लोगों ने किया है जब भी कोई नक्सलवादी द्वारा की जाने वाली कोई क्रूर हत्याएं हैं या उसके अत्याचार के संबंध में कोई बात करता है तो इन वामपंथियों की एक रट शुरू हो जाती है कि वो तो आतंकवादी है नहीं वो तो शोषित समाज के लोग हैं वो तो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और ऐसे एक झूठा प्रचलित किया जाना शुरू होता है न एक तरह से हम पीड़ित है और अत्याचारों के विरोध में लड़ रहे हैं ऐसा करके आताई और आतंकवाद का समर्थन ये वामपंथी लोग भारत में कर रहे हैं और ये जो वामपंथी का प्रभाव वाली मीडिया है प्रशासन है न्याय व्यवस्था है या ये राजनीति है ये कुल मिलाकर वामपंथी बरबर अत्याचारों को उनके अतिरेकी कार्रवाईओं को उनके हत्याकांडों को उनके रंजित इतिहास को छिपा रही है इसके साथ वो मुगलों के अत्याचारों को भी छिपा रही है आतंकवाद हो नक्सलवाद हो अलगाववाद चाहे उग्रवाद यह सब नाम भेद है परंतु उन सभी का काम तो केवल हिंसा करना और भारत के संविधान का विरोध करना ही है और अगर वो हिंसा और भारत के संविधान का विरोध कर रहे हैं तो उनके विरोध में खुलकर आकर वामपंथियाँ वामपंथी वांपन्ति लोगों ने चाहे मीडिया हो या शिक्षण क्षेत्र के हो या सरकारी अधिकारी तौर पे हो या प्रशासन के हो उन्होंने विरोध करना आवश्यक था तो वो ये लोग नहीं कर रहे हैं इतना ही नहीं तो कम्युनिस्टों के हिंसा का इतिहास जब तक हम समझ कर नहीं लेते तब तक ये कम्युनिस्टों का जो असली चेहरा है हिंसा का चेहरा है बर्बरता का चेहरा है वो हम नहीं समझ पाएंगे वामपंथ की जो वैचारिक परिधि है उन परिधि में जो पन जो उनकी विचारधारा है उन विचारधाराओं के कारण इतिहास यानी आज का पूर्वकाल और वर्तमान यह सभी काल वामपंथी के प्रभाव का है वो हिंसा और रक्त से ही सना हुआ है वामपंथी इतिहास ये एक रक्तरंजित ही इतिहास है बीसवीं शताब्दी में जब रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसके बाद से ही जहाँ जहाँ वामपंथी सत्ताधीन हुए उन देशों में और क्षेत्रों में राजनीतिक हत्याओं और नरसों नरसहारों की एक लंबी के लंबी फहरिस्त चल रही है भले ही एशिया से लैटिन अमेरिका तक साम्यवाद का विस्तार है लेकिन कैम्युनिज्म के अपराधों के बारे में बहुत कम विद्वानों का इस पर शोध कार्य हुआ है और इस कैम्युनिज़म का जो सत्ता सच्चा इतिहास है वो अत्यंत कम देशों में उसके बारे में चर्चा हो रही है यह एक शोकांतिका है इतिहास की शोकांतिका है इतिहास मतलब सत्य मगर जहाँ सत्य को छिपा कर इतिहास ही पाया जा रहा है तो ये जो सिखाने वाला है वो इतिहास ही नहीं है तो एक मनगढ़ंत कहानी है यही हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है और इनके दो प्राथमिक कारण हमें ध्यान में आते हैं सबसे पहला कारण है कि साम्यवाद इतिहास का जो पसंदीदा बच्चा रहा है और इस सिद्धांत को भारत में कभी भी संदेहपूर्ण दृढ़ता के साथ नहीं देखा गया क्योंकि इतिहासकार बिरादरी जी थी वो अधिकांश लोग स्वयं साम्यवाद के प्रबल समर्थक ही थे तो जिनको इतिहास लिखना था और जिन जिनको वामपंथ के काले कारनामे या रक्तरंजित हत्याओं की श्रृंखला लिखनी थी तो लिखने के स्थान पर भारत के साम्यवाद के प्रबल समर्थक लोग ही बैठने के कारण उन्होंने सच्चाई सामने आने ही नहीं दिया और एक लुभावना चेहरा सामने लाया वामपंथ का और उनका जो रक्तरंजित चेहरा था उसको उन्होंने छिपाया था दूसरा महत्व का कारण यहाँ पे है कि कैम्यू शासन की गुप्त प्रकृति यानी हर बात हर षड्यंत्र को गुप गुप्तता से करना उसको छिपाना इस प्रकृति के कारण उनके अधिकांश जो अपराध हैं या जो अपराध पीड़ित हैं तो उनके अपराध उन अपराध पीड़ितों के साथ ही दफन हो जाते थे बाहर के विश्व को वो पता ही नहीं चलते थे 1990 के उत्तरार्ध में सोवियत अभिलेखाकार जब खोला गया उसके बाद कम्युनिस्टों के अत्याचारों का सच्चा इतिहास विश्व के सामने आया तब तक वो दबाकर रखा गया था इस अभिलेखाकार का जो साहित्य था वह कम्युनिस्टों के पापों का कम्युनिस्टों के बर्बरता का कम्युनिस्टों के वंशविच्छेद का कम्युनिस्टों के नरसंहारों का एक मजबूत स्रोत बन गया वर्ष 1999 में एक फ्रांसीसी इतिहासकार जिसने कम्युनिस्ट नरसंहार के संदर्भ में एक शोध कार्य किया था स्टीफेन कोर्टुइस। तो इस स्टीफेन कोर्टुइस की जो एक पुस्तक थी कैम्युनिज्म की काली किताब ब्लैक बुक ऑफ कैम्युनिज्म अपराध आतंक एवं दमन प्रकाशित हुई थी इस कालावधि में जिन्होंने कैम्युनिज़म के रक्तरंजित क्रांति का उनके काले कारनामों का जो पर्दा फार्श किया था तो उसमें से जो कई लेखक थे वो पूर्व कम्युनिस्ट ही विचारधारा के अनुयायी थे मगर जब उनको वास्तविकता पता चली तो उन्होंने कम्युनिज्म का जो काला चेहरा है उसको दुनिया के सामने लाया था इस ब्लैक बुक में रूस से लेकर पोलैंड तक चीन से लेकर अंगोला तक लैटिन अमेरिका से लेकर तक, जो भी कम्युनिस्ट शासन द्वारा मानवता के बरबर अपराधों का जो एक अकल्पनीय लेकिन प्रामाणिक विस्तृत बौरा है वह इन पुस्तक इस पुस्तक में दिया हुआ है कैम्युनिज्म की काली किताब में लगाए गए सांख्यिकीय अनुमान के अनुसार साम्यवाद स्टैलिनवाद माओवाद तथा इनकी अन्य जो सहोदर विचारधाराएं थे इनके ऊपर दस करोड़ मनुष्यों को मंशापूर्व ढंग से जान से मारने का प्रत्यक्ष आरोप लगाया है दस करोड़ लोगों की बरबर हत्याएं कर इन्होंने एक विश्व के इतिहास का सबसे बड़ा मानवीय नरसंहार किया है ऐसे इस किताब ने पर्दाफाश किया है जबकि 2017 में बोल्शेविक क्रांति को सौ साल हुए थे और सौ साल पूरे होने वाले होने पर वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपे एक लेख में प्रोफेसर एस कोत्किन ने बताया था कि 10 करोड़ का ये जो आंकड़ा है ये तो सिर्फ सीधे तौर पर किया हुआ हत्या और नरसहारों का है इससे कई अधिक संख्या में तो लोग कम्युनिस्ट शासनों के द्वारा पैदा की गई भूखमरी और सुनियोजित दुर्व्यवस्था के कारण जो मरे हैं उनका आंकड़ा इसमें शामिल ही नहीं है कैम्युनिज्म की काली किताब में साम्यवादी शासन द्वारा आतंक यातना कृत्रिम अकाल सामूहिक निर्वासन और नरसंहार किस किस प्रकार किए गए इस संदर्भ में पूर्ण विस्तृत विवरण और इसके माध्यम से एक इस कैम्युनिज्म का काला चेहरा दुनिया के सामने रखा है प्रस्तुत किया है और हमारे लिए यह समझने की बात है कि ये जो इतिहास सामने लाया है ये सभी लेखक पूर्व के कम्युनिस्ट विचारधारा के ही अनुयायी थे उन्हीं के ही देश के उन्हीं के ही परंपरा के लोग हैं तो इस काले कारनामों की जो सत्यता है वो उन्हीं के लोगों के द्वारा प्रमाणित की गई है कम्युनिस्टों द्वारा हुई मौतों की लगभग अनुमानित संख्या इन लेखों के मुताबिक 10 करोड़ है परंतु ये वामपंथी लोगों के अधिकांश कृत्य गुप्त रखे जाते थे और नाजी वॉर क्राइम्स के लिए जिस प्रकार न्यूरिंगबर्ग में जनता के लिए खुले मुकदमे उपलब्ध थे वैसे मुकदमों का अभाव भी इन कम्युनिस्टों के नरसहार के संदर्भ में था इसलिए लेखकों का यह अनुमान दस करोड़ है जिसमें चीन में छः करोड़ पचास लाख लोगों का नरसंहार का इतिहास है सोवियत संघ में दो करोड़ लोगों के नरसंहार का इतिहास है कम्बोडिया में 20 लाख लोगों के नरसंहार का इतिहास है उत्तर कोरिया में 20 लाख लोगों के नरसंहार का इतिहास है अफ्रीका में दस लाख सत्तर हज़ार लोगों के नरसंहार का इतिहास इन्होंने ढूंढ निकाला है पूर्वी यूरोप में एक तरफ दस लाख तो वियतनाम में दस लाख और लैटिन अमेरिका में एक लाख पचास हजार लोगों के नरसंहार का जो काला इतिहास इन लेखकों ने अपने इस पुस्तक में उजागर किया है तो यह केवल प्रत्यक्ष नरसंहार के ही आंकड़े हैं और अधिकांश जो गुप्तता से जो उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से हत्याएं की है उनके आंकड़े इसमें शामिल नहीं हैं यह तथ्य हमें समझ कर लेना होगा इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन और सत्ता में न रहने वाले कम्युनिस्ट दलों के जो कार्य है उनके परिणामस्वरूप दस हज़ार से अधिक लोगों की मौत हुई थी उनका नरसंहार हुआ था अब आप विचार कीजिए कि कम्युनिस्ट वामपंथी नेताओं ने उस कालावध में विश्व के लगभग 10 करोड़ लोगों की हत्याएं की तो उनके तुलना में जर्मनी का जो तानाशाह था एडोल्फ हिटलर उसने 60 लाख यहूदियों की हत्या किया था यानी नाजी हिटलर के तुलना में ये जो वामपंथी है वे अत्यंत क्रूर और बर्बर है यह इसे दिखाई देता है परंतु आज जो चित्र निर्माण किया गया है कि विश्व का सबसे क्रूर तानाशाह तो हिटलर है वामपंथी इतिहास को छिपाया है उसका दमन किया है और हिट, नाजी हिटलर को विश्व का क्रूर तानाशाह करके घोषित किया है और दूसरी तरफ यही वामपंथी जिनके नाम पर दस करोड़ लोगों के नरसंहार का आरोप है वे वामपंथी भारत में हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करने का प्रयास कर रहे भगवा आतंक के नाम से एक हिंदुओं को आतंकी घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये तो उसी तरह की बात है कि सौ चूहे खाकर बिल्ली निकली तो इससे हमें समझने की आवश्यकता क्या है कि सच्चाई कुछ और है और हमारे सामने जो चित्र निर्माण किया जा रहा है वो कुछ और है ये कम्युनिस्ट शासन में उस समय के जो कृषक थे किसान थे खेती करने वाले या जो श्रमिक समुदाय थे जो अपने शारीरिक क्षमता से लेके काम करते थे जिसे हम लेबर क्लास कहते हैं उन्हें एक आदर्श समाज की व्यवस्था का सपना दिखाकर उनको अपनी विचारधारा में जोड़कर इन्होंने अपने ये कार्य को पूर्ण किया था परंतु वास्तविकता में उनकी इस कल्पना की जो धज्जा उड़ जाती है जब उनके द्वारा व्यापक स्तर पर उनके ही क्षेत्र में जब कृत्रिम अकाल निर्माण करके उसमें हजारों नहीं लाखों श्रमिकों एवं कृषिकों को जबरन उस अकाल क्षेत्र में धकेलकर जब उनकी हत्या की जाती है तो उनकी वास्तविकता पता चलती है कि वो तो श्रमिकों को और कृषकों को तो केवल प्रलोभन दे के था बाद में उनकी ही हत्याकांड का उनके ही नरसंहार का आरोप इन वामपंथों पर आता है अपने ही अनुयायी का आर हत्या का आरोप इन वामपंथों पर आता है और ऐसे सभी हत्याओं के जो आंकड़े हैं वो इस काली पुस्तक में शामिल है इसमें भी लिखते हैं कि 1921 में जो रशिया में कृत्रिम अकाल हुआ था इस अकाल में 50 लाख लोगों से अधिक लोग मरे थे और एक प्रकार से वामपंथियों ने किया हुआ यह एक अप्रत्यक्ष नरसंहार ही था 1918 से 1922 तक हजारों विद्रोही कार्यकर्ता और किसानों की हत्या उस समय रूस में हुई थी 1932 से 1933 के तैंतीस कालावधि में यूक्रेनियन जो अकाल आया था उसमें 40 लाख यूक्रेनियन नागरिक और 20 लाख अन्य लोगों की मौत हुई थी तो ये अप्रत्यक्ष हत्या है ये वामपंथी नरसंहार का एक साक्ष्य और प्रमाण हमें दे रही है स्टीफेन कुर्तोइस अपने इस ब्लैकबुक पुस्तक में लिखते हैं जबकि नाजी आर्मी के अत्याचारी हिटलर और आइकबन के नामों को दुनिया भर में बीसवीं सदी के नरसंहारक अत्याचारी के रूप में पहचाना जाता है तथा डेंजर जिसकी योगेडा एवं एजो ये जो नाम है वो कुछ मात्रा में लिए जाते हैं परंतु लेनिन माओ होचिमिन और स्टालिन इन कैम्युनिस्ट नरसंहारक अत्याचारों को सदैव ही आश्चर्यजनक छूट मिली है इसके बारे में सभी तरफ आश्चर्य हो रहा है ये जो कैम्युनिस्ट अत्याचारी थे वो इस सूची से गायब कैसे है ये कौन सा षड्यंत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चल रहा है ये हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है फ्रांस की सरकारी एजेंसी नेशनल लॉटरी विज्ञापन अभियानों में स्टैलिन और माओ के चित्रों का उपयोग करते हैं क्या कोई विज्ञापन में नाजी हिटलर या गोबेल्स का उपयोग करने के बारे में सोच भी सकेगा कुर्तोइस अपने पुस्तक में आगे लिखता है कि जैसे विश्व युद्ध में हिटलर पर जीत में सोवियत संघ की भागीदारी हुई उस विजय के आधार पर सत्ता हत्याने के लिए तथा अपनी योजनाओं को छिपाने के लिए कम्युनिस्टों ने उत्कट देशभक्ति को एक मुखौटे के रूप में उपयोग करना चालू किया था इनके साथ ही इन कैम्युनिस्टों ने इस युद्ध में स्वयं को रशिया के स्वतंत्रता के लिए शहीद बताने का नाटक किया अपने उद्देश्यों को पवित्र कराने का छल किया इससे वामपंथ के जो सभी आलोचनाओं को भी उन्होंने चुप करा के रखा है कम्युनिज्म को फासिस्टवाद के विरोध में प्रचारित करने के कारण आगे ये फासिस्टवाद विरोधी मतलब साम्यवाद यह लेबल उपयोग करके उन्होंने विरोधियों का आक्षेप को उत्तर देने का प्रयास किया आज के पाठ्यपुस्तकों से उनके इस विषैली सिद्धांतों के संकट को बार बार बताया जाना चाहिए केवल एकाधा उदाहरण देकर उनको उजागर हम नहीं कर सकते उनके बारे में निरंतर बताने की आवश्यकता है कुछ लोग समाजवाद को साम्यवाद के नरम संस्करण के रूप में सामने लाते हैं उनके लिए दार्शनिक आयरलैंड ने कहा था कि साम्यवाद और समाजवाद के बीच कोई अंतर नहीं है दोनों का एक ही अंतिम लक्ष्य है साम्यवाद बल के द्वारा और समाजवाद वोट के द्वारा लोगों को गुलाम बनाते हैं जितनी हत्या और आत्महत्या के बीच में अंतर है उतना ही इन दोनों में है फ्रांसवा फूरे ये जो फ्रांसीसी इतिहासकारों में से एक प्रमुख इतिहासकार है और वे स्वयं फ्रांसीसी क्रांति के विषय में एक अग्रणी विद्वान माने जाते हैं उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा कैम्युनिज्म के संदर्भ में उनके इतिहास के संदर्भ में शोध कार्य में बिताया है कम्युनिस्टों का जो साम्यवाद है और उससे घिरा हुआ जो भ्रम है इसके बारे में विशेष विविधता से पूर्ण शोध कार्य करने में और उसके लेखन करने में उन्होंने बहुत सा अपना समय बिताया है वह स्वयं एक पूर्व कम्युनिस्ट ही थे तथा अपने अधिकांश जो सहकर्मी जो बुद्धिजीवियों की तरह फ्रांसीसी कम्युनिस्ट पार्टी के वे सदस्य भी थे उन्होंने 1956 में कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दिया था और कहा था कि मैंने अब तक की सबसे बुद्धिमानी की बात किया यानी कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा देना इस बात को वो अपने जीवन के सबसे बुद्धिमानी की बात सोचते थे इससे हमें पता चल रहा है कि कम्युनिस्ट विचारधारा कम्युनिस्ट पार्टियाँ या उनके जो नरसंहार है वो कितने अमानवीय और अबुद्धिमानी का प्रतीक है वो हमें ध्यान में लेने की आवश्यकता है उनकी जो एक अंतिम पुस्तक थी द पासिंग ऑफ एन इल्यूजन द आइडिया ऑफ कम्युनिज्म इन द ट्वेंटी सेंचुरी इस पुस्तक में वे लिखते हैं कि 1917 के अक्टूबर में यानी बोलशिक क्रांति से जन्मे सभी कम्युनिस्ट शासनों में से जो बचे हुए अवशेषों को भी अभी नष्ट करना आवश्यक है यानी कम्युनिस्ट के पार्टी से कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रवास करने के बाद अब वो ये विचार कर रहे हैं कि बोल्शेविक क्रांति के बाद कम्युनिस्टों के जो जो प्रतीक उभर के आए जैसे लेनिन को फिर सेंट पीटर्सबर्ग किया गया उस तरह से उनकी जो भी अस्थिया या अवशेष बचे उस सबको हटाने के बाद ही मनुष्य और मानवता की भलाई हो सकती है ऐसे वे एक तरह से कह रहे हैं तो कार्तिक जी इससे हमें यही ध्यान में आता है कि नाजी और हिटलर इसको वर्तमान में विश्व में क्रूर तानाशाह कहा जाता है पर उससे कई गुना अधिक बर्बरता का और नरसंहार का इतिहास इन वामपंथी लोगों का है परंतु आश्चर्य है कि स्टालिन, लेनिन इन सब का इतिहास माओ ये क्यों छुपा जा रहा है इसके पीछे षड्यंत्र क्या है और जब तक ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र को भी हम उजागर नहीं करते तब तक भारत में जो हम परिवर्तन अपेक्षित कर रहे हैं उसके ऊपर भी हमें पूर्णता यशस्वीता से कार्य करना कठिन होगा इसलिए एक ही साथ इन दोनों बातों को हमें उजागर करने की आवश्यकता है मुझे लगता है कार्तिक जी जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी आपने अत्यंत गंभीर सूत्र हमारे सामने रखे हैं इन वामपंथियों का जो रक्तरंजित इतिहास है ये आज तक हमारे सामने इस प्रकार से रखा ही गया नहीं है इसलिए हम बहुत सारे हमारे देश में ऐसे लोग हैं कि इनको इसके बारे में पता ही नहीं है चाहे वो लेनिन हो स्टालिन हो या माओ हो इन्होंने इतने सारे अत्याचार किए हैं परंतु ये अभी तक इन वामपंथियों के ये अत्याचार हमारे सामने ही नहीं आए गए हैं तो ये बहुत ही गंभीर सूत्र है मैं सभी जुड़े हुए दर्शकों से आह्वान करना चाहूंगा इन वामपंथियों का रक्त रंजित इतिहास क्या है इन्होंने कितनी क्रूरता की है कितनी बर्बरता से लोगों की हत्या की है इसके बारे में अधिक से अधिक लोगों तक हमें ये जानकारी पहुंचानी होगी इसके लिए आप सभी ज्यादा से ज्यादा ये जो कार्यक्रम देख रहे हैं धर्म संवाद का इसे शेयर कीजिए फेसबुक के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं वो इसे वॉच पार्टी कर सकते हैं और जो यूट्यूब से देख रहे हैं दर्शक तो वो अधिक लोगों को इसके बारे में शेयर भी कर सकते हैं और ये जानकारी अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी आपने कम्युनिस्टों के नरसंहार के बारे में हमारे अभी यहाँ पर जानकारी दी परंतु इसके बारे में तो हमारी जनता पूरी तरह से अनभिज्ञ है तो क्यों उनके अपराध सामने नहीं आते हैं ऐसे क्या कारण है इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं कार्तिक जी आपका यह जो प्रश्न है कम्युनिस्टों के नरसंहार के बारे में जनता क्यों अनभिज्ञ है क्यों उसके अपराध सामने नहीं आते हैं इसका एक कारण यह भी है कि दुनिया को कम्युनिस्ट अपराधों की वैसे व्यवस्थित जानकारी नहीं रही है जैसे हिटलर मुसलोनी आदि फासिस्टों के बारे में जानकारी है किसी पूर्व साम्यवादी देश में साम्यवादी अच्छारों के अत्याचारों के म्यूजियम नहीं बनाए गए जो आने वाले पीढ़ियों को सदैव चेतावनी देते रह सके साम्यवाद के शिकार लोगों की निशानियाँ गुलाग यानी सोवियत संघ में जो यातना शिविर थे जिसे गुलाग कहा जाता है तो गुलाग जैसे भयंकर लेबर कैंपों की स्मृतियाँ उस तरह नहीं रखी गई जैसे फासिसवाद की रखी हुई है जर्मन में नाजी अत्याचारों के प्रतीक के रूप में ऑसविस के शिविर को म्यूज़ियम के रूप में ही रखा गया है तथा स्पेन में एक्विजिशन के अत्याचारों के अवशेष भी म्यूज़ियम में रखे हैं परंतु वामपंथी वा, वामपंथी अत्याचारों के ऐसे कोई म्यूज़ियम विश्व भर में कहीं पर भी हमें नहीं दिखाई देते हैं ऐसे कई कारणों से साम्यवादी इतिहास के जो मूल्यांकन के प्रति दुनिया भर के जो इतिहासकार है उनमें एक उदासीनता दिखाई देती है भारत के साम्यवादियों को तो इसका बहुत ही अधिक लाभ हुआ है क्योंकि इस अभाव में उनके पुराने पापों पर जो पर्दा पड़ रहा था और इसलिए उन्हें पुनः पुनः नई नई मनमानियाँ करने के लिए नए अपराध करने के लिए जरा भी भारत में संकोच नहीं हुआ था उनके विचारों उनके सिद्धांत क्रियाकलापों और उनके जो कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड थे उन सभी बातें आज के तथाकथित शिक्षित या वेल एजुकेटेड जनता को भी मालूम नहीं है ये हमारे यहाँ के एजुकेशन का लेवल का स्टैंडर्ड है और नई पीढ़ी तो लगभग उनसे अनजा ही रही है इससे शैक्षिक और राजनीतिक क्षेत्र में हमारी और हमारे देश की अत्यंत हानि हुई है कुछ बुद्धिजीवी साम्यवाद और फांसीवाद की तुलना करते करते स्वयं भ्रमित हो जाते हैं उन्हें लगता है कि साम्यवाद फांसीवाद से कम बुरा था किंतु हिटलर की नस्ली जनसंहार और स्टालिन के वर्गीय जनसंहार में एक समानता ही थी किसी को दूसरे से छोटा न मानना यही उचित होगा दोनों सत्ताएं मानवता की अपराधी रही और वो भी विराट पैमाने पर अपराधी थी छोटी मोटी अपराधी नहीं थी और वास्तव में कैम्युनिस्टों ने इस भ्रामक धारणा से जनता को भ्रम में डालकर बहुत बड़ा लाभ उठाया है और नाजी जनसंहार एक अद्वितीय किस्म का अपराध था यह हवा चलाने में उनको सहायता हुई भारत में भी यही वैचारिकता हावी रहने के कारण वामपंथों के पापों के बारे में कम जानकारी रहने के कारण वामपंथों को जनसमर्थन मिलते गया और एक पीढ़ी दिशाहीन और भ्रमित होना शुरू हो गई इसलिए पश्चिम बंगाल और केरला में माकपा द्वारा की गई जो हजारों राजनीतिक हत्या होने के बाद भारत का कोई बुद्धिजीवी वर्ग प्राय उनका कोई घृणा नहीं करता है बल्कि कुछ उल्टा ही हो रहा है भारत के बुद्धिजीवी यह जानते ही नहीं कि हिटलर के नाजीवाद के जितने भयंकर कुकर्म किए गए उससे लगभग कई अधिक सोवियत कम्युनिज्म के तौर तरीकों के नकल से ही किए गए थे यानी हिटलर के नाजी को आदर्श क्या था तो सोवियत कम्युनिज्म में जिस प्रकार के अन्याय अत्याचार और नरसंहार हुआ था उसके कदम पर चलकर ही नाजीवाद ने अपने कुकर्म किए थे लैनिन और स्टैलन ने जिन क्रूरता का आविष्कार एवं प्रयोग किए वही हिटलर जुल्मों से बढ़कर और कहीं अधिक व्यापक थे यह हमें समझकर लेने की आवश्यकता है एक महान रूसी लेखक और जो इतिहासकार था सोलजे उसने अपने अपूर्व ग्रंथ गुलाग आर्किपेलाग इसमें प्रामाणिक रूप से यह स्पष्ट दिखाया और उसने लिखा है दमन क्रूरता और यातना इनके जो स्थूल और सूक्ष्म रूपों का अध्ययन करें तो जर्मनी या इटली के जो फासिस्ट है वो रूस या चीनी कम्युनिस्टों से निस्संद बहुत पीछे थे बहुत पिछड़े थे यह समझ में आता है और क्रूरता और नरसंहार में ये रूसी कम्युनिस्ट नाजियों के कई कदम आगे थे परंतु ये सब हम नहीं जानते हैं क्योंकि इसके बारे में कोई इतिहास और सत्यता और वास्तविकता हमें नहीं बताई गई है और इसलिए चाहे वीर सावरकर से लेकर विष्णुकांत शास्त्री तक के अगर हम विचार करते हैं तो किसी भी हिंदू को फासिस्ट कह तो दिया जाता है परंतु हमारे चाहे लेखक हो या पत्रकार हो इसको विरोध में वो चू तक नहीं बोलते हैं सोवियत आश्वित कैम्प में जो कमांडेंट रुडोल्फ हेस ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि राइक सुरक्षा मुख्यालय ने सभी कैंप कमांडेंट को यानी रूसी यातना कैंपों से संबंधित पूरी रिपोर्ट समय समय पर भेजी थी उसमें विस्तार से उन कैंपों के संगठन और कामों का विवरण लिखा गया था उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया था कि कैसे रूसी कैंपों में कैदियों से जानलेवा और जबरन श्रम किया जाता है और इसके आधार पर पूरी की पूरी आबादियों को खत्म कर डाला जाता है यानी इतना जबरन और अमानवीय श्रम किया जाता है कि उसमें उनकी मृत्यु हो जाती थी और पूरे वंश और विशिष्ट जातियों को ऐसे करके नष्ट कर दिया था उन्होंने इस प्रकार किसी जाति किसी समुदाय या राष्ट्रीयता को संपूर्णता मार डालने का प्रयास बीसवीं शती में पहले सोवियत संघ के कम्युनिस्ट द्वारा ही किया गया था यह हमें समझकर लेने की आवश्यकता है और इस सोवियत के कम्युनिस्ट के कदमों पर कदम चलकर बाद में ये जर्मन या इटली का फैसिस्टवाद आगे बढ़ा था परंतु फिर भी ये नाजी और फैसिज्म जो था वो कम्युनिस्ट के तुलना में बहुत पिछड़ा और बहुत बाल्यावस्था में था जो नाजियों ने यहूदी के साथ किया वही उससे काफ़ी वर्ष पहले सोवियत कम्युनिस्टों ने कुल को यानी को उस समय के वहाँ जो धनी किसान थे उनके साथ किया था लेकिन लेनिन के शासनकाल में पूरे रूस में कुलको को, को यानी ये जो अमीर ज़मींदार थे उनको परजीविया कीड़े कह करके उनके बाल बच्चों से लेकर तो उनके पूर्ण परिवार समेत सभी को निर्ममता पूर्वक मार डाला गया था तो साम्यवाद का ये जो एक घिनौना चेहरा है एक नरसार करने वाला रक्तरंजित इतिहास बताने वाला ये जो चेहरा है ये इतिहास में क्यों छिपाया गया यह प्रश्न मात्र अभी तक अनुत्तरित है यह भयंकर कारनामा तभी हो चुका था सोवियत संघ में जब दुनिया ने हिटलर का नाम भी नहीं सुना था प्रसिद्ध रूसी लेखक वसीली ग्रोसमान ने कुलकों के बच्चों के बारे में लिखते हुए एक नोट किया है कि ठीक इसी तरह से बाद में जर्मनी में नाजियों ने यहूदियों के बच्चों को गैस चेम्बर में डालकर मारा था यानी गैस चेम्बर में डालकर मारने की ये जो कृति है हिटलर की वो उससे कई वर्ष पूर्व सोवियत संघ में सोवियत वामपंथियों ने प्रत्यक्ष कृति किया था अतः यह कहने और करने में कैम्युनिस्ट आगे थे कि वर्ग या समुदाय मात्र में जन्म लेने के कारण मानवता के कुछ हिस्सों को अपने जीने का कोई अधिकार नहीं होता है ऐसे इनके कर्मों से हमें प्रतीत होता है और चाहे वो निरपराध क्यों न हो उनको जीने का अधिकार नहीं यह एक जो विचित्र विचारधारा पहले साम्यवादी ये सोवियत वाले जो वामपंथी थे उन्होंने शुरू किया और बाद में हिटलर ने उसको कुछ प्रमाण में जारी रखा था लेकिन लेनिन और स्टैलिन आज भी हमारे देश के जो मार्क्सवादियों के उनके आदर्श है जिनके नाम के आगे विश्व के सबसे बड़े नरसंहार और हत्याओं के लिए जिम्मेदार रखा गया है ऐसे मार्क्स और लेनिन आज हमारे मार्क्सवादियों के आदर्श बन के बैठे हैं इसके भयावह जो निहितार्थ है वो हमें समझना चाहिए रूस और पूरे यूरोप में अनेक ऐसे लोग हुए जिन्होंने नाजी गेस्टापो यानी यानि उनका जो गुप्तचर यंत्रणा थी तो जिन्होंने नाजी गेस्टापो और सोवियत एमजीबी जी सोवियत एम यानी वहाँ की वो गुप्तचर संस्था या सीक्रेट पुलिस कहा जाता था वो दोनों के हाथों से यातना सही थी उन लोगों ने जब अपने तुलनात्मक अनुभव बताए तो बताते समय वे कह रहे थे कि नाजियों का जो रुख था वो रूस वामपंथियों के अपेक्षाकृत नरम था यानी ये जो सबसे मौखिक इतिहास है जिन्होंने दोनों सोवियत के वामपंथियों की भी अत्याचार को सहा था और बाद में नाजी हिटलर की भी अत्याचार को सहा था तो वो स्पष्टता से कहते हैं कि नाजियों का रुख सोवियत वामपंथियों के अपेक्षाकृत नरम था एक रूसी पादरी वाई आई दिवीनिज उसके अनुसार गेस्टापो जानना चाहता था कि वह कम्युनिस्ट तो नहीं है ना और अगर वो आरोप साबित नहीं हुआ तो वो उसे छोड़ दिया करते थे गेस्टापो का उद्देश्य केवल नरसार करना हत्या करना ऐसे नहीं था परंतु एमजीबी जो रूसी गुप्तचर पुलिस थी उनकी रुचि कोई सच्चाई या तथ्य जानने के लिए नहीं थी बस उनका एक ही सूत्र था जिसे पकड़ लिया उसे छोड़ा नहीं जा सकता और उसको मारना है यानी नाजी से कई अधिक रक्त रंजित इतिहास ये सोवियत वामपंथियों का है गुलाब आर पेलांग यह जो सोवियत की सोवियत की ये पीड़ा देने वाले कैम्प होते थे उनमें से अनेक पीड़ितों की गवाही अभी लिपिबद्ध हमें उपलब्ध हुई है नीली टोपी वाले यानी जिसे सीक्रेट पुलिस कहा जाता था उनकी वो ड्रेस में नीली टोपी होती थी वे कहते थे कि नीली टोपे वाले मामले गढ़ते थे और अपने शिकार को यातनाएं देते थे और यातना का अंत मृत्यु में हो जाता था कई बार तो हर क्षेत्र में केवल अपने क्षेत्र का कोटा पूरा करना है इस बात के लिए वे जनता के दुश्मनों को मारा या सजा दी गई ऐसे प्रकरण सामने आए हैं इस संख्या का बड़ा होना एक तरह से उन अधिकारियों के लिए पुरस्कार होता था या पदोन्नति से उनके जुड़ा होता था तो हम कितने अधिक संख्या में मारेंगे इसके लिए अधिकारियों में होड़ लगी होती थी और यातना देने के तरीकों में भी एम का नाजियों से कई ज़्यादा क्रूर और स्वेच्छा स्वेच्छाचारी पद्धति से वे ये करते थे सर्वविदित है कि हिटलर के पतन के बाद जर्मनी में नाजियो नाजियों पर मुकदमे चले और उनको सजाएं भी मिली थी किंतु कितने लोगों ने यह ध्यान दिया है कि यह केवल पश्चिमी जर्मनी में हुआ पूर्व जर्मनी में नहीं हुआ और पश्चिमी जर्मनी में क्यों हुआ पूर्व जर्मनी में क्यों नहीं हुआ वह भी हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है तो पश्चिमी जर्मनी में वामपंथ की सत्ता न होने के कारण वहाँ पर जो सत्ता में लोग आए थे उन्होंने छियासी हज़ार जो नाजी अपराधियों को सजा देकर उनकी इस बर्बरता का खंडन उस देश ने किया था किंतु जो पूर्व जर्मनी थी जहाँ पर कम्युनिस्ट ही शासन करता थे उनके हाथ में ही सत्ता थी वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि अधिकांश जो नाजी तत्व जिन्होंने अत्याचार में किए अत्याचार किए थे वो पूर्व जर्म, पूर्व जर्मनी में एक तो शासन की सेवा में ले गए थे या वो सत्ता में आए थे और वे स्वयं दमन कैसे करना या दमन करने के स्वयं अनुभवी होने के कारण उन्हें सरलता से नई वर्दी भी उनको पूरे जर्मनी में मिल गई थी ठीक वैसे ही जैसे रूस में 1917 में कम्युनिस्टों की जब सत्ता बन गई थी तो कम्युनिस्टों के सत्ता के पहले जो अनेक अपराधी और दुष्ट अफसर थे वो तुरंत कम्युनिस्ट बन गए थे और ये जो पुराने जो अत्याचारी और अपराधी थे जो नए कम्युनिस्ट बने थे तो उनका इस नए कम्युनिस्ट शासन को बड़ा भारी सहयोग मिला बड़ा भारी सहारा मिला क्योंकि ये ऐसे लोग थे वो बिना किसी नैतिक असुविधा के हर तरह के अत्याचार जनता में करने के लिए सक्षम थे और जनता पर अत्याचार करके जनता पर नियंत्रण करने में वे सक्षम थे तो ऐसे लोगों को ये सोवियत वामपंथी नए सरकार ने अपने इसमें शामिल करके एक दमन तंत्र नरसंहार का तंत्र एक मनुष्य के हत्याओं का सत्र सोवियत में शुरू किया था तो यह एक जो मोटा सा तथ्य है जो हमारे देश के इतिहास के प्रोफेसर तक नहीं जानते तो फिर ये नए सामान्य पत्रकार या बुद्धिजीवियों की कौन क्या कहे तो एक तरह से वर्तमान शिक्षा पद्धति में समाज शिक्षित हो रहा है एजुकेट हो रहा है और एजुकेट होने वाले एजुकेटेड इलिटरेट पीढ़ी निर्माण हो रही है ये वामपंथी सच्चा इतिहास छुपाकर झूठा मनगढ़त काल्पनिक इतिहास कैसे थोप रहे हैं काल्पनिक थेरिया जिसमें आर्यन इन्वेजन थेरी से लेके जो अनेक डार्विन के सिद्धांतों को लेकर जो झूठे मनगढ़ंत कहानियाँ हम पर थोप रहे हैं उसको आंखें बंद करके स्वीकारने वाला एक एजुकेटेड इलिटरेट या ब्लाइंड इलिटरेट पीढ़ी भारत में या विश्व में निर्माण हो रही है यह एक शोकांतिका है हमको अपनी सतसद विवेक बुद्धि अपनी दृष्टि को जागृत करके विश्व के नए इतिहासों में जो संशोधन हुआ है वो नए ग्रंथों का संदर्भ लेकर वामपंथी इतिहास की सत्यता को जानकर उनके काले कारनामा रक्तरंजित इतिहास और नरसंहार का इतिहास को समझकर उसको उजागर करके उनका पर्दाफाश करने की आवश्यकता है वामपंथी ये विश्व के सबसे बड़े अत्याचारी बर्बर और नरसंहारी कौम है भला ही आज नाजे और हिटलर को कहा जाता है मगर ये उनके बाप नहीं तो दादा परदादा है, यह समझने की आवश्यकता है और ये सत्य इतिहास जानकर ये वामपंथ जो हमारे शिक्षा में घुसा हुआ है न्याय व्यवस्था में घुसा हुआ है प्रशासन में घुसा हुआ है मीडिया में घुसा हुआ है राजतंत्र में घुसा हुआ है और जो भारत में रहकर भारत का विरोध करता है भारत में रहकर भारत का विरोध और चीन का समर्थन करता है जो भारत में रहकर भारत का विरोध और पाकिस्तान और जीना का समर्थन करता है जो वामपंथ भारत में रहकर कश्मीर के आज़ादी का समर्थन करता है और भारत के टुकड़े हो ऐसी इच्छा व्यक्त करता है ये वामपंथी विचारधारा को अभी जड़ से उखाड़कर हमारी पूर्वीय परंपरा पूर्वीय विचारधारा पूर्वीय धर्म संस्कृति को पुनर्स्थापित करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना भारत को विश्व गुरु बनाना भारत में सुराज्य की स्थापना करना इस सभी प्रक्रिया के लिए हमें कदम से कदम मिलाकर आगे जाना होगा ये एक नया उत्थान पुनरुत्थान का एक अभियान हमें चलाना होगा सबको हमको साथ में जाकर अभियान का झेंडा में हाथ में लेना होगा तो आइए हम सब मिलकर भारत के नव निर्माण के इस प्रक्रिया में सहभागी होते हैं जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने राम राज्य की स्थापना किया था एक आदर्श समाज व्यवस्था की राम वे, उन्होंने स्थापना किया था उसी तरह से एक आदर्श नागरिक एक आदर्श समाज एक सहजीवन परस्पर मान सम्मान और परस्पर सहजीवन की शांति और आनंद की सुजलाम सुफलाम ऐसे देश की निर्मित के लिए हम प्रयास करेंगे और यह सब प्रयास करने के लिए ईश्वर हमें सद्बुद्धि दे बल दे ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं मेरे वाणी को यही विराम देता हूँ जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी आपने महत्वपूर्ण सूत्र हमारे सामने रखे हैं कम्युनिस्टों का जो इतिहास है वो आज हमें इस धर्म संवाद के माध्यम से हमें समझ कर लिया और अधिक से अधिक लोगों तक हमें यह जानकारी पहुंचानी चाहिए उन्होंने किस प्रकार से यह अत्याचार किए हैं लेकिन ये हमारे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं इसके कारण भी हमने जान कर लिए है तो ये जो कारण है ये हम समझ कर लेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करेंगे यह कार्यक्रम देखते समय यदि आपके मन में कुछ प्रश्न हो या आपके सुझाव हो तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स पर लिख कर दे सकते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से धर्म संवाद के इस कार्यक्रम को अभी हम यहीं पर विराम दे रहे हैं भगवान कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज के इस धर्म संवाद को यहीं पर विराम देते हैं नमस्कार